सो हेलो गाइज, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं शैडो हंटर सीरीज के एपिसोड नंबर 4 का। हम लोग इसके प्रीवियस एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि तुम लोगों को चैनल पे मिल जाएगा। अगर तुम लोगों ने उन एपिसोड्स को नहीं देखा है तो जाके देख लो। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड चालू होता है क्लैरी के सपने से जहां मैग्नस क्लैरी की मेमोरीज ले रहा होता है। तभी क्लैरी जाग जाती है और उसके सामने साइमन बैठा होता है। क्लैरी साइमन को अपने सपने के बारे में बताती है, साथ ही साथ ये भी बताती है कि सपने में जो बंदा उसकी मेमोरीज ले रहा था उसका नाम मैग्नस था। जो सुनने के बाद साइमन बोलता है कि जब उसने क्लैरी के बारे में कैमिल को बताया था तब कैमिल ने भी बोला था कि इस मैग्नस बेन नाम के बंदे ने ही क्लैरी की मेमोरीज ली होंगी। अब साइमन की बातों से क्लैरी को उसका फर्स्ट लीड मिल चुका है, यानी कि अब उसे मैग्नस बेन को ढूंढना है। वो साइमन को थैंक यू बोलती है और कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। और इतना बोल के वो जेस के पास इस मैग्नस बेन नाम के बंदे के बारे में और जानने चली जाती है। क्लैरी के जाने के बाद साइमन अपने आप को मिरर में देखता है और उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं कि उसके मुंह से खून टपक रहा है और उसके पास कैमिल आ रही है। बेसिकली यहाँ पे इनकैंटो असर कर रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर क्लैरी के ऊपर जाता है जो कि जेस के पास आती है और उसे मैग्नस वाली सारी बातें बताती है। जिसके बाद जेस क्लैरी को बताता है कि मैग्नस ब्रुकलिन का एक हाई वॉर्डलॉक है। हाई वॉर्डलॉक्स वो वॉर्डलॉक्स होते हैं जो कि नॉर्मल वॉर्डलॉक्स से ज्यादा पावरफुल होते हैं और काइंड ऑफ उनके लीडर टाइप के होते हैं। और मैग्नस इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर वो चाहे तो साइलेंट ब्रदर्स से भी लड़ सकता है। जेस क्लैरी से बोलता है कि अगर मैग्नस ने तुम्हारी मेमोरीज ली है देन ही कैन बी द की टू एवरीथिंग। क्लैरी आगे बोलने लगती है कि मेरी वजह से लोग मर रहे हैं और अगर मेरी मेमोरीज मुझे वापस भी मिल जाती है तब भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मुझे मेरी मदर वापस मिल जाएंगी। जिस पे जेस क्लैरी को समझाता है कि तुम्हारी मेमोरीज वापस लाना हमारा एक लौता रास्ता है मॉडल कप को पाने का। हाँ ये डेंजरस जरूर है मगर मैं तुम्हारे लिए इस रिस्क को लेने को तैयार हूँ। जेस ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे इजी आ जाती है और बताती है कि साइमन इंस्टीट्यूट छोड़ के जा रहा है। फिर क्लैरी साइमन को रोकने जाती है और साइमन क्लैरी से बोलता है कि उसे यहाँ पे प्रिजनर जैसा लगता है, कैदियों जैसा महसूस होता है। साइमन बोलता है कि उसकी और क्लैरी की जिंदगी में आज तक जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो उसने और क्लैरी ने साथ मिलके सॉल्व करी है और वो इस प्रॉब्लम को भी साथ मिलके सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें शैडो हंटर्स की जरूरत नहीं है। मगर क्लैरी साइमन के ऑफर को रिजेक्ट कर देती है और बोलती है कि उसे इन शैडो हंटर्स के साथ अपनापन सा फील होता है। इसके बाद हमारे सारे शैडो हंटर्स मीटिंग करने लगते हैं कि अब इन्हें आगे क्या करना है और हॉज इन सबको बताता है कि मैग्नस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वॉरलॉक्स में से एक है जिसकी उम्र 300 साल से भी ज्यादा है। हॉज बताता है कि मैग्नस शैडो हंटर्स पर ट्रस्ट नहीं करता है। जिसपे क्लैरी बोलती है कि तो फिर उसने मेरी मदर जॉशलिन की मदद काहे की मेरी मेमोरीज को इरेज करने में। जिसपे हॉज बोलता है कि उसने मदद नहीं करी होगी, उसने तुम्हारी मेमोरीज को इरेज करने के बदले में तुम्हारी माँ से इन एक्सचेंज में कुछ लिया होगा। और जेस बोलता है कि वॉरलॉक्स कोई भी काम करने से पहले पेमेंट पहले ले लेते हैं। इसके बाद एलेक बताता है कि मोस्ट ऑफ द वॉरलॉक्स कहीं जाके छुप चुके हैं क्योंकि वैलेंटाइन उन्हें ढूंढ रहा है। क्लैरी बोलती है कि अगर वॉरलॉक्स छुपे हुए हैं तो हम मैग्नस को कैसे ढूंढेंगे। जिसपे जेस बोलता है कि हम मैग्नस को नहीं ढूंढने वाले बल्कि मैग्नस हमारे पास आएगा, हम एक मीटिंग रखेंगे। जिसके बाद इजी बताती है कि हमें इस मीटिंग को डाउन वर्ल्डर्स रेव में रखना चाहिए। एलेक बोलता है कि मैग्नस यहाँ कभी नहीं आएगा। जिसपे इजी बोलती है कि नहीं तुम गलत हो, मैग्नस को पार्टी वार्टी करना बहुत पसंद है तो वो यहाँ जरूर आएगा। इसके बाद हॉज इन सबको अपने साथ ले जाता है और अपने साथ ले जाके एक नेकलेस को दिखाता है। इस नेकलेस के अंदर स्पेशल एबिलिटी है कि अगर आसपास कोई डीमन होता है तो जिसने भी इस नेकलेस को पहना होता है ये नेकलेस उसे बता देता है कि आसपास कोई डीमन है। और ये नेकलेस मैग्नस के दिल के काफी करीब है क्योंकि मैग्नस ने इस नेकलेस को 1857 में अपने घर को बेच के अपनी लवर कैमिल के लिए खरीदा था। यस, कैमिल और मैग्नस एक समय पे लवर्स थे जिसकी वजह से अगर ये लोग मैग्नस को इस नेकलेस का लाल। इसके बाद जेस मैग्नस को फायर मैसेज भेजने जाता है। फिर सीन शिफ्ट होके वैलेंटाइन के ऊपर जाता है जो कि अपने एक सबॉर्डिनेट को कैद करके ले जा रहा होता है कि तभी उसे नोटिस होता है कि उसके आसपास कोई है और वो समझ जाता है कि क्लेव ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी जासूसी करने के लिए सीलीज को भेजा है। जिसके बाद वो अपने वही कैदी वाले सबॉर्डिनेट नेम्ड पैंगबॉर्न को आगे करता है और वो बंदा अपने मुंह से एक जहरीली गैस छोड़ता है जिससे कि वो सीलीज अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और वो बंदा भी मर जाता है। वैलेंटाइन फिर अपने दूसरे
दूसरे सबॉर्डिनेट से बोलता है कि पैंग बॉन्ड एक काफी डेडिकेटेड और लॉयल सबॉर्डिनेट था, मगर एक वॉरलॉक ने इसके शैडो हंटर ब्लड को खराब कर दिया था, टेंटेड कर दिया था। फिर वैलेंटाइन अपने दूसरे सबॉर्डिनेट से बोलता है कि सीलीज की डेड बॉडीज को इकट्ठा करो, उनका खून हमारे काम आ सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ल्यूक की तरफ जाता है, जिसके पास उसका असिस्टेंट आके उससे बोलता है कि आजकल तुम अपना पुलिस वाला काम सही से नहीं कर रहे हो, तुम्हें अपना पुलिस वाले काम को भी सही से करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम नहीं करते हो तो नॉर्मल लोगों को शक हो जाएगा। इसके बाद सीन सिटो के इजी की तरफ जाता है, जो कि पार्टी में जाने के लिए काफी एक्साइटेड होती है, एंजॉय कर रही होती है। वो क्लैरी को अपनी एक ड्रेस देती है, क्योंकि क्लैरी के पास पार्टी स्लैश मीटिंग में जाने के लिए खुद की कोई नई ड्रेस नहीं होती है। इसके बाद वहां पे जेस आ जाता है और क्लैरी को शैडो हंटर वेपन देते हुए बोलता है कि तुम जानती हो कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। इसके बाद सीन सिटो के मैग्नस की तरफ जाता है, जिसने कि डिसाइड कर लिया होता है कि वो उस नेकलेस को लेने मीटिंग में जा रहा है, मगर उसका एक साथी वॉरलॉक जिसका नाम एलियस होता है उससे बोल रहा होता है कि मत जाओ, जाना खतरे से खाली नहीं है। पर मैग्नस बोलता है कि वो नेकलेस उसे चाहिए ही चाहिए, और जब तक वो बाहर है तब तक यहाँ के वॉरलॉक्स अपनी शील्ड को जितना स्ट्रांग हो सकता है उतना स्ट्रांग कर ले। साथ ही साथ हमें यहाँ पे ये भी मालूम पड़ता है कि जो मोस्ट ऑफ द डाउन वर्ल्डर्स होते हैं वो बूढ़े होके नहीं मरते, मतलब कि उनकी जान जरूर ली जा सकती है मगर वो बूढ़े होके नहीं मरते। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एलेक की तरफ जाता है, जो कि इस पार्टी स्लैश मीटिंग को भी एक मिशन की ही तरह ले रहा होता है, वो नहीं इंजॉय कर रहा होता। मगर इजी बोलती है कि जब तक क्लैरी हमारी जिंदगी में नहीं आई थी तब तक हमें सेम टाइप के मिशंस मिलते रहते थे, मगर जब से क्लैरी हमारी जिंदगी में आई है तब से चीजें इंटरेस्टिंग हो गई हैं। और एलेक जवाब देता है कि नहीं, मुझे ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग नहीं लग रही हैं, वैलेंटाइन मॉडल कप के पीछे पड़ा है और अगर उसे मॉडल कप मिल जाएगा तो वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा, और पता नहीं कि हम लोग उसकी बेटी की मदद क्यों कर रहे हैं, तो नहीं, मुझे नहीं लगता ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग है। इसके बाद फिर इजी कहती है कि क्या अब सुकून मिला ये सारी बातें बोलने के बाद, अब तुम्हारा दिल हल्का हुआ, और एलेक हाँ जवाब देता है, क्योंकि इजी को पहले से मालूम था कि एलेक अपने मन में ये सारी बातें दबा रहा है और मन में बातें दबाना अच्छी बात नहीं होती है। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर साइमन के ऊपर जाता है, जो कि अपने घर आता है और उसकी मदर उसके लिए चिंतित हो रही होती है, क्योंकि साइमन पूरे एक दिन बाद वापस घर आया है। उसकी मदर साइमन से बोलती है कि अगली बार से मुझे बता दिया करना कि तुम लेट होने वाले हो, लेट घर आओगे, ताकि मैं तुम्हारी चिंता ना करूं। इसके बाद साइमन की मदर रूम से चली जाती है और मरीन साइमन से अपना लव कन्फेस करती है, पर वो लव कन्फेस करते हुए काफी हड़बड़ा रही होती है, काफी एम्बेरस होती है, जिसकी वजह से वो गलती एक फोटो फ्रेम तोड़ देती है और उस फोटो फ्रेम के कांच से उसका हाथ कट जाता है, जिससे कि उस फोटो फ्रेम पे खून लग जाता है उसका। वो साइमन से अपना लव कन्फेस करना कंटिन्यू करती है, मगर साइमन उसके लव कन्फेशन पे ध्यान ही नहीं दे रहा होता, उसका तो ध्यान बस उस फोटो फ्रेम पे लगे ब्लड पर होता है। और जब मरीन देखती है कि साइमन उसे नोटिस ही नहीं कर रहा है, उसे अटेंशन ही नहीं दे रहा है, तो वो वहां से चली जाती है। और मरीन के जाने के बाद साइमन उस फोटो फ्रेम पे लगे ब्लड को आके चाटने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमारे प्यारे शैडो हंटर्स की तरफ जाता है, जो कि पार्टी में जा रहे होते हैं। और जब वो लोग लाइन में होते हैं तब हम देखते हैं कि इजी को वही नेकलेस काफी पसंद आ गया होता है, मगर एलेक उससे नेकलेस लेके जेस को दे देता है ताकि नेकलेस सेफ रहे। इसके बाद ये लोग अंदर आ जाते हैं, अंदर इन्हें मैग्नस मिलता है। मैग्नस क्लैरी को देख के काफी खुश हो जाता है, क्योंकि पहले जब उसने क्लैरी को देखा था तब क्लैरी बहुत ज्यादा छोटी थी। जेस मैग्नस से पूछताछ करना चालू करता है, मगर मैग्नस बोलता है कि वो सारी बातें सिर्फ तभी बताएगा जब वो लोग उसे वो नेकलेस दे देंगे, क्योंकि उसे चेक करना है कि नेकलेस असली है या नहीं। जेस मैग्नस को नेकलेस दे देता है, जिसके बाद मैग्नस बताता है कि उसके पास क्लैरी की मेमोरीज नहीं है, क्योंकि उसने उन मेमोरीज को और ज्यादा प्रोटेक्ट के लिए वो उन मेमोरीज को एक मेमोरी डीमन को खिला चुका है। मैग्नस बोलता है कि अगर कभी वैलेंटाइन डॉट की तरह उसे भी पकड़ लेता तो वैलेंटाइन उसे टॉर्चर करके उसके अंदर से क्लैरी की मेमोरीज को बाहर निकाल ही लेता। क्लैरी पूछती है कि डॉट को वैलेंटाइन टॉर्चर कर रहा है, क्या डॉट सही है कि नहीं, जिस पे मैग्नस क्लैरी को बताता है कि डॉट मर गई है। क्लैरी काफी ज्यादा सैड हो जाती है। इसके बाद मैग्नस क्लैरी को ऑफर देता है कि वो उसके साथ चले, क्योंकि वो क्लैरी को ज्यादा प्रोटेक्ट रख सकता है इन कंपैरिजन टू शैडो हंटर्स, मगर क्लैरी रिजेक्ट कर देती है। और पीछे से एक सर्कल का मेंबर मैग्नस को मारने आ ही रहा होता है कि तभी एलेक इंस्टेड उस सर्कल मेंबर को तीर से मार के मैग्नस की जान बचा लेता है। इसके बाद मैग्नस वहां से भागने लगता है। क्लैरी मैग्नस को रोकने की कोशिश करती है, मगर क्लैरी की हाथ में सिर्फ मैग्नस के सूट की एक बटन ही लग पाती है, जिसके बाद वो बटन जेस ले लेता है। और फिर एलेक और जेस अपने पैरा बेटाए बॉन्ड को यूज करके उस बटन के थ्रू मैग्नस की लोकेशन पता लगा लेते हैं। इसके बाद ये लोग मैग्नस के अड्डे के पास पहुंच जाते हैं और इन लोगों को देखने को मिलता है कि सर्कल वालों
वालों ने ऑलरेडी इनके ऊपर अटैक कर दिया है, मतलब कि वॉरलॉक्स के ऊपर अटैक कर दिया है। आगे जाने के बाद क्लैरी देखती है कि एक सर्कल का मेंबर एक छोटी लड़की नेम्ड जोई के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, तो क्लैरी जोई को जाके बचाती है, प्रोटेक्ट करती है और अपना जेस उस सर्कल के मेंबर को जान से मार डालता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मैग्नस की तरफ जाता है जो कि सर्कल के एक मेंबर से फाइट कर रहा होता है, और यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि एलियस मारा जा चुका है। इसके बाद मैग्नस उस सर्कल के मेंबर को मार देता है। इसके बाद हमारे सारे प्यारे शैडो हंटर्स मैग्नस के पास आ जाते हैं, साथ ही साथ उस बच्ची जोई को भी लाते हैं। मैग्नस जोई को बाकी वॉरलॉक्स के पास जाने को बोलता है और फिर क्लैरी को थैंक यू बोलता है जोई की जिंदगी बचाने के लिए। और अब इसके बाद मैग्नस क्लैरी की मेमोरीज को उस डीमन से वापस लेने के लिए उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है, पर अब वो यहाँ इस जगह पे सेफ नहीं है, जिसकी वजह से मैग्नस अपने अड्डे की लोकेशन को मैजिक के जरिए चेंज कर देता है। इसके बाद सीन सेट होकर साइमन की तरफ जाता है जो कि क्लैरी को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर जब क्लैरी कॉल नहीं उठाती है तो साइमन क्लैरी को एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है जिसमें वो बताता है कि उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है और वो क्लैरी को कभी भी नहीं छोड़ना चाहता। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस मैग्नस की तरफ आता है जो कि उस कैमिल वाले नेकलेस को इजी को दे देता है क्योंकि इजी के ऊपर वो नेकलेस अच्छा लग रहा होता है। इसके बाद मैग्नस क्लैरी को एक बुक देता है और बताता है कि इसके अंदर ये जो डिजाइन है ये डीमन समनिंग डिजाइन है और तुम इस डिजाइन को बनाओ ताकि हम लोग डीमन को समन कर पाए। इसके बाद जेस क्लैरी के ऊपर रून बनाने जाता है ताकि क्लैरी को पावर्स मिल सके वो साइन बनाने की, पर रून बनाने से पहले उसे वॉर्न करता है कि मेमोरी डीमन एक ग्रेटर डीमन है, यानी कि इस रून में तुम्हें बाकी के रून्स के कंपैरिजन में ज्यादा दर्द होगा, मगर क्लैरी अपनी मदर के लिए कुछ भी कर सकती है। इसके बाद जेस क्लैरी के ऊपर रून बना देता है और क्लैरी भी साइन बना देती है। इसके बाद मैग्नस सबको बताता है कि मेमोरी डीमन एक बहुत ही पावरफुल डीमन है, यानी कि वो उनकी हेल्प करने के एक्सचेंज में उनसे कुछ ना कुछ तो लेगा। इसके बाद मैग्नस उस डीमन को समन कर लेता है, उस डीमन का नाम वेलैक होता है और वो डीमन पेमेंट के तौर पे उन सभी के सबसे ज्यादा चाहने वालों की सबसे ज्यादा अच्छी मेमोरीज को लेने लगता है। क्लैरी से जॉशलिन की यादें, इजी से एलेक की यादें और एलेक से जेस की, मगर एलेक इस चीज को नहीं सह पाता, वो अपनी सबसे प्यारी मेमोरी नहीं देना चाहता था जिसकी वजह से वो बॉन्ड को तोड़ देता है और वो डीमन आउट ऑफ कंट्रोल जाके जेस को पकड़ लेता है। मैग्नस अपने मैजिक का यूज करके उस डीमन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मगर वो भी ज्यादा देर तक उस डीमन को रोक के नहीं रख सकता, जिसकी वजह से क्लैरी जेस को बचाने के लिए उस डीमन को जान से मार देती है, मगर अब क्लैरी की मेमोरीज हमेशा के लिए जा चुकी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रात की तरफ जाता है जहाँ क्लैरी सैड होती है, उसके पास जेस आता है और उसे बोलता है कि आज तो तुमने कमाल ही कर दिया उस डीमन को मार के, क्योंकि बहुत कम ऐसे सैड हंटर्स है जो कि बोल सकते हैं कि उन्होंने किसी ग्रेटर डीमन की जान ली है। इसके बाद क्लैरी साइमन को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर साइमन का कॉल नहीं लग रहा होता और हम साइमन को होटल ड्यूमॉर्ट के बाहर देखते हैं। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होकर क्लैरी के ऊपर आता है जो कि जब अपने उस लॉकेट को टच करती है तब उसे देखने को मिलता है कि उसके फादर वैलेंटाइन उसकी मदर जॉशलिन के साथ हैं। वैलेंटाइन नोटिस कर लेता है कि क्लैरी उसे देख रही है तो वो क्लैरी से बात करता है, मगर क्लैरी तुरंत डर के अपने लॉकेट को उतार देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।